2018 में पीएम मोदी ने दावा किया था कि 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। वैसे अब 2024 आ चुका है और अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तो दूर की बात है, 4 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाई है। पीएम मोदी के इसी बयान पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने जीएसटी में सुधार को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की भाजपा सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करती रहती है। भाजपा के तमाम वादों में से एक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का वादा किया गया था। वैसे इसके लिए जो समय तय किया गया था वो पहले ही निकल चुका है। पहले 2022 की बात थी और अब 2026 का टारगेट रखा गया है। पीएम मोदी ने अब दावा किया है कि अगले 3 साल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। पीएम के इसी बयान पर कांग्रेस के नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से देश में कोई संरचनात्मक सुधार नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ दल में विश्व स्तरीय अर्थशास्त्रियों की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने मानसिक रूप से खुद को 6% विकास दर पर समेट लिया है। उन्हें कर ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत है। केंद्र सरकार के आंकड़ों में कोई विश्वसनीयता नहीं है और महामारी के बाद वी आकार की आर्थिक सुधार का दावा त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में यह एक के आकार की रिकवरी है, जहां आबादी का एक छोटा हिस्सा तेजी से ठीक हो गया है लेकिन बड़े हिस्से में गिरावट आई है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जीएसटी में सुधार किया जाएगा और राज्यों को सशक्त बनाया जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।